हेलो एवरीवन, तो आज स्टडी चैलेंज का डे 7। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है हनुमान चालीसा के साथ। देन उसके बाद मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, जो कि मैं डेली नहीं करती, कभी कभार ही करती हूँ। देन उसके बाद मैं आज प्रीलिम्स का आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, प्रैक्टिस मॉक का। ये फ्री है तो मैंने सोचा आज इसको लगा लिया जाए, देखते हैं हर एग्ज़ाम में, क्योंकि लेवल अलग अलग होता है, हर मॉक का लेवल अलग अलग होता है, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है अगर आप अलग से लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं ज़्यादातर टेक्स्ट बुक ही यूज़ करती हूँ, उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा हो गया। पिछले साल की अगर बात करें तो टेक्स्ट बुक ईजी था 2022 टाइम पे, लेकिन अब 23 से काफ़ी अच्छा लेवल हो गया। प्रीलिम्स के लिए तो आप टेक्स्ट बुक ले ही सकते हो और मेंस के लिए भी ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मॉक टेस्ट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने कौशिक मोहंती सर ने आज डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक लिया था यूट्यूब पर प्रीलिम्स का, तो मैंने वो वीडियो पूरा देखा और उन्होंने जो अप्रोच बताई उसको देखा और समझा, बहुत ही अच्छा समझाया सर ने। देन उसके बाद मैंने आरआरबी क्लर्क का 2024 का फाइनली आज स्टार्ट कर दिया है मॉक। तो ये पहले मैंने किया है रीजनिंग का सेक्शनल, तो रीजनिंग में पहले मैंने लगाया पूरा सेक्शनल। देन क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा कि आरआरबी में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीओ में तो ठीक ही है, क्लर्क में तो मोस्टली 80 out of 80 भी कट ऑफ जाता है। तो ये है कुछ मेरा स्कोर, आप देख सकते हैं मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे और 18 के 18 सही थे। दो क्वेश्चन भी हो सकते थे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैंने मॉक अटेम्प्ट किया तो स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। देन उसके बाद ये मैंने 2-3 सेक्शनल और दिए थे छोटे छोटे, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी वगैरह, सिलॉक्स वगैरह। देन उसके बाद मैंने क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वांट का भी मॉक लगाया था, मिनी मॉक था, तो ये मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक लगाया था और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन लगाया था, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। देन उसके बाद मैंने कौशिक मोहंती सर का ट्रेन का जो वीडियो था, ट्रेन प्रॉब्लम्स वाला, वो देखा। ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि एक ही दिन में पूरा वीडियो कंप्लीट करना, मुझे बस अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। तो मैं बीच बीच में सारे टॉपिक के वीडियो देखती हूँ, तो जहाँ वो मॉक में क्वेश्चन आए ताकि मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा भूल जाता है, तो मुझे उसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट बुक पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशंस के, कि तो मैंने इनको सॉल्व किया। तो ये था डे 7, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।